स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे 3D बॉक्स मैक्रो के बारे में। बेसिकली मैक्रो क्या होती है? मैक्रो एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपका अधिक समय जिस काम में लगता है उसको ये आपका काम मिनट में कर देती है, परफेक्ट और फास्ट। ठीक है, तो ये मैंने जो 3D बॉक्स मैक्रो है ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, तो हम इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक जो आपने थंबनेल में देखा होगा वो मैंने इसी मैक्रो के माध्यम से इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बनाई है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है, इसका जो बहुत ज़्यादा मोस्ट एडवांटेज है ये मुझे क्यों अच्छी लगी और मैंने ये परचेज क्यों किया और आपको भी ये क्यों परचेज करनी चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग का डिज़ाइन बनाते हो, दो स्क्वायर शेप का जो बॉक्स होता है उसकी आप डिज़ाइनिंग करते हो, तो उसके बाद आपको उसके प्रेजेंटेशन के लिए आपको मॉकअप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। मतलब सभी के लिए पर्टिकुलर एक उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए एक मॉकअप डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ आप बिल्कुल एक ही मैक्रो से सारे मॉकअप्स बना सकते हो। और इसका जो मुझे मोर एडवांटेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आप जैसे कि जानते हैं ये स्क्वायर शेप है और ये भी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हम इफेक्ट में जाते हैं और एड परस्पेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ हम इसको परस्पेक्टिव कर सकते हैं, बट ये हम ऐसा विट मैप यानी कि हम किसी इमेज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आप इमेज के साथ भी ऐसा कर सकते हो। तो हम बात करते हैं इसको इंस्टॉल की सबसे पहले, और इसके फीचर्स क्या हैं। ये इजी इंस्टॉल हो जाती है, सिक्योर है, और इसका जो इंटरफेस है बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, आपको कहीं अलग क्लिक करना पड़ रहा है, कहीं अलग, बिल्कुल आपको जो भी इसका इसको जो कस्टमाइज़ किया गया है वो उस तरीके से किया गया है कि ये आपको बहुत ईजिली समझ में आती है। और फास्ट रेंडिंग है। रेंडरिंग क्या है कि जैसे कि आपने जब फिल्टर अप्लाई कर दिया, आपने मैक्रो जब अप्लाई करेंगे तो वो बहुत सी मैक्रो टाइम लेती हैं, है ना, प्रोसेस लेती हैं बहुत ज़्यादा, कि उसको रिजल्ट दिखाने में आपको बहुत टाइम लगता है, और ये सारे वर्जन्स को सपोर्ट करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसको इंस्टॉल करने की, इसके रिजल्ट देखते हैं। तो आप जाएंगे विंडो में, सॉरी टूल्स में, और मैक्रो, मैक्रो मैनेजर, यहाँ आपको सिंपली लोड करना है और आपको आना है जहाँ भी आपके डेस्टिनेशन पर ये होगी 3D बॉक्स। मैं से कर लेता हूँ ओपन। यहाँ देखिए ये इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और इसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। तो सिंपल है, फ्रंट साइड टॉप, और ये आपके प्रोडक्ट का रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करती है। इसमें चार आपको वेरिएशन मिलते हैं, आप किस किस व्यू से किस किस एंगल से इसको देखना चाहते हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले जब भी आप इसको बना लोगे इस तरीके से, तो ये पहले है मुझे फ्रंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, और मैं इसको पहले सिलेक्ट, इसका फ्रंट पैनल यानी कि जो उसका फ्रंट पार्ट है जो भी है इसका, उसको आप सिलेक्ट करिए। इसको मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, इसको ऐसे करके सेलेक्ट करिए और फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फ्रंट हो गया। अब जो अगला बड़ा इसमें बताता है आपको साइड, साइड व्यू आपको कौन सा है ये। ठीक है, ये वाला आपका साइड व्यू है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और साइड। टॉप व्यू आपका यानी कि टॉप का कौन सा, आपका टॉप व्यू कौन सा है ये वाला। तीन साइड विजिबल होती है 3D में, और ये टॉप। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसका रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं रिफ्लेक्शन पर भी चेक लगा देता हूँ। और यहाँ अब मैं करता हूँ, आपको कौन सा आपको प्रोजेक्शंस चाहिए, आपको कौन से एंगल से इसको देखना है, तो मुझे आई थिंक ये अच्छा लगता है ये वाला जो व्यू है। और देखिए क्या होगा, एक सेकंड से भी कम, बहुत कम समय में, और आप ये देख सकते हैं इसका रिजल्ट, नाइस, अमेजिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसने कितना बेहतरीन, कितना परफेक्टली इसको रिफ्लेक्शन भी आपको क्रिएट किया। और यही नहीं, आप इसको कोई और, ये अगर आप ये वाला व्यू चाहते हैं तो आप ये वाला भी व्यू, इसका जो प्रोजेक्शंस है ये भी आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, मतलब रेंडरिंग में कितना समय लग रहा है, जैसे कि प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा, सिस्टम हमारा हैंग करने लगता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये बहुत स्मूथ वर्क करती है। और मैं इसका ये वाला ए, जो ए वाला है देख सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं आपको हर एक तरीके का इसमें वेरिएशन मिल जाता है। और आप किसी भी, ये नहीं कि इसी बॉक्स में, आप किसी भी कोई भी बड़ा से बड़ा, कोई भी छोटे से छोटा, किसी भी मैच बॉक्स या फिर आप कोई भी स्क्वायर शेप की जो भी बॉक्सिंग वाला वो बनाते हैं, आप वर्क प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये उसकी मॉकअप्स बनाने के लिए बहुत ईजी। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो क्या है, ये पूरी तरीके से एडिटेबल है। ठीक है, अगर आपको इन बिटवीन इसके, अगर आपको इन केस इसमें, अगर आपको इसके बीच ये कोई कलर चेंज करना है तो वो भी आप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मुझे अगर मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है, मैं ये अनग्रुप करके और कोई भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये मैक्रो फ्रेंड्स मैंने परचेज़ की है संजीव मणिकतला जी से, जो मैंने इससे पहले आपको आई कार्ड की जो मैक्रो दिखाई थी, जिसका आप इस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसको लिंक मिल सकता है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छी मैक्रो है, और इसको करीब मैंने
$8 यानी कि 700 रुपये में परचेस किया है। और इनके पास कई सारे ऑफर्स हैं, कॉम्बो ऑफर्स हैं। आप एक मैक्रो के साथ एक मैक्रो आपको फ्री मिलने वाली है, या फिर आपके एक मैक्रो के साथ कई जो यूटिलिटी होती हैं जो आपके छोटे छोटे काम को बहुत ही ईजी कर देती हैं, ठीक है, जो टिपिकल काम होते हैं उनको बहुत फास्ट कर देती है। तो इस तरीके की मैक्रो आप इनसे परचेस कर सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी इसकी इंक्वायरी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको जो भी कुछ जानना है वो मैंने आपको जैसे बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप से इसकी सारी जो इंक्वायरीज है वो आप ले सकते हो। और अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट डील रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।